हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब लोग? होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो यार, आज अपन लोग आए हैं जावा के शोरूम। जावा की एक कंपनी एसटी जो पुराने जमाने में बहुत सही बाइक्स बनाती थी, उसने कम बैक करा अपनी तीन बाइक्स के साथ। मतलब उनकी जो तीन बाइक्स की सीरीज है ना, बहुत तगड़ी। तो ये बाइक्स हैं जोधपुर में अवेलेबल अभी, तो उन बाइक्स का अपन लोग आए रिव्यू करने के लिए। वो तीन बाइक्स हैं एसटी एडवेंचर, एसटी स्क्रैम्बलर एंड एसटी रोडस्टर। तो इस वीडियो में अपन लोग करने वाले हैं एसटी एडवेंचर का रिव्यू। मतलब उन्होंने क्या इसमें नई चीज़ डाली है, या फिर इसका लुक कैसा है, उसका 360 ओवरव्यू क्या है, उसमें क्या क्या टेक्निकल चीज़ें हैं, क्या स्पेक्स है, वो सारी चीज़ें अपन लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलते हैं अभी अपन बाइक के पास। अब अपन लोग आए ईएसडी एडवेंचर में। मतलब अब लग रहा है कि लिटरली हिमालयन का कोई कंपटीशन आया है मार्केट में। मतलब इतने दिन लगता था कि हिमालयन इस सेगमेंट में बेस्ट, बट अब जो ईएसडी ने एडवेंचर निकाली ना, प्रॉपर एकदम हिमालयन की तरह लग रही है। और इसमें कुछ एडवांस्ड फीचर भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये गाइस इसकी साइड प्रोफाइल, मतलब साइड में से आपको आप बोलोगे कि तो सेम हिमालयन की है, बट तो ये कुछ इसका इस टाइप का लुक आता है। मतलब ऑलमोस्ट हिमालयन के जैसा इन्होंने सिमिलर कुछ ट्राई करा, बट काफ़ी बढ़िया लग रहा है। सीट हाइट की अगर मैं बात करूँ तो इसके 815 mm एंड जो हिमालयन के वो 800 mm, बट मेरे जो पैर है वो आराम से पहुँच रहे हैं, अपने को कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एंड अब अगर अपन बात करें इसके फीचर्स, इसमें आपको मिलेगा फुली डिजिटल कंसोल। तो चार्जर के लिए इन्होंने बेसिकली यहाँ पे डाला एक यूएसबी पोर्ट, एक सी टाइप पोर्ट, तो इनमें से आप जो से चार्ज करना आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ मोड्स वगैरह के लिए इन्होंने बटन से ऐड करा, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 1000 लाइट का स्विच। अब अगर अपन बात करें इसके कंसोल की, ओ माय गॉड, तो कंसोल आपको बहुत एडवांस लेवल पे मिल जाएगा। लिटरली यहाँ पे अपने फ़ोन को ब्लूटूथ से कनेक्ट करके आप देख सकते हो कि किसका कॉल आ रहा है, किसका क्या मैसेज आ रहा है। एंड यहाँ पे आपको नेविगेशन मिल जाएगा, ट्रिपल नेविगेशन जैसे आप बोल सकते हो। मतलब टर्न बाय टर्न आपको बताएगा कि आपको कितने किलोमीटर बाद टर्न लेना है। यहाँ पे जो नॉर्मल इंडिकेशन है वो सारे आपको मिल जाएंगे। एंड जो इसका ABS है वो स्विचेबल है, आप यहाँ से मोड्स चेंज कर सकते हो। राइट, तो ऑफ रोड, ऑन रोड, हाईवे, सिटी, रेन मोड, जो भी आपको चेंज करना आप यहाँ पे कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग जो आपकी बाइक की सेटिंग है वो सारी आपको मिल जाएगी। अब अगर अपन बात करें इसके हॉर्न की, तो इसका हॉर्न, ओह भाई साहब, काफ़ी लाउड है। एक और इसकी बेस्ट चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप इसको ना अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो आपका जो कंसोल है वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट करते हो। आपको जस्ट ये बटन लूज करने हैं और आप इसको 15 डिग्री तक आप रोटेट कर सकते हो, मतलब जिस टाइप का आपको एंगल चाहिए। अब अपन करते हैं अपनी बाइक को स्टार्ट। तो ये सारी बात कर ली अपन इसके ओवरव्यू के बारे में, अब अपन बात करते हैं कुछ टेक्निकल स्पेक्स के बारे में। ESD में बेसिकली आपको मिल जाएगा 334 cc का लिक्विड कूल्ड इंजन। इसके जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको मिलेगी 220 mm की, मतलब हिमालयन के बराबर ही आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। इसकी सीट हाइट मैंने आपको बताया 815 mm। एंड इसका जो कर्व वेट है वो आपको मिलेगा 188 kg। फ्यूल टैंक की अगर अपन बात करें तो ये आपको मिल जाएगा 15.5 लीटर की कैपेसिटी के साथ, मतलब 15.5 लीटर। एंड बेस्ट चीज़ जो इसकी है वो आपको मिल जाएगा इसमें 6 स्पीड गियर बॉक्स, मतलब आपको इसमें 6 गियर मिल जाएंगे जो बहुत हेल्प करेंगे आपको हाई स्पीड अचीव करने में। अब अगर इंजन के टेक्निकल स्पेक्स की बात करें तो ये जो इंजन है वो है 29.7 bhp का, एंड इसका जो टॉर्क है वो है 29.9 Nm। फ्रंट टायर की बात करें तो फ्रंट टायर आपको मिल जाएगा 90x90 21 इंच का, एंड जो रियर टायर है वो है 130x80 17 इंच का। दोनों डिस्क ब्रेक है। अगर अपन डिस्क की बात करें तो फ्रंट वाली है 320 mm एंड रियर वाली है 240 mm। और इसमें आपको मिल जाएंगी सारी LED लाइट्स, मतलब जो इंडिकेटर है वो भी आपको LED मिलेंगे, जो हेडलाइट है वो भी LED मिलेंगे, वो आपने अभी देख लिया। रियर में जो टेल लैंप है, ब्रेक लाइट है, वो भी आपको LED, प्लस जो रियर इंडिकेटर है वो भी आपको LED मिल जाएंगे। एंड लगेज के लिए कुछ ये सेटअप है जो आपको स्टैंडर्ड नहीं मिलेगा, बट आपको एसेसरीज में आप इनको ऐड करवा सकते हो। तो जोधपुर में इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो है 2,60,000। और इसमें एक और चीज़, मतलब इसकी सीट हाइट है 815 mm है, बट सीट इतनी वाइड है ना, मतलब आपके जो पैर है ना काफ़ी वाइड रहने वाले, तो वो जो सीट हाइट है वो आपको और ज़्यादा महसूस होगी। तो ये तो हमने ESD का एक अगर ये वीडियो जिसमें अपन ने सारी चीज़ें इसके कवर कर ली और इसकी जो प्राइस है वो भी मैंने आपको बता दी। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आपको पता आपको वीडियो को लाइक करना, और अगर आप मेरे चैनल पे हो नए तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसा बहुत सारा कंटेंट अभी और आना बाकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।